चल रहा है। तो तेजस मुझे आई थिंक पिछले 8 साल से ट्रेन कर रहा है। आई थिंक आई वाज कितने 16 17 17 इयर्स ओल्ड बनाया। मुझे एक्चुअली कोई बैक प्रॉब्लम थी, उस वजह से स्टार्ट किया था वेट बढ़ाने के लिए। एंड एवर सिंस देन वेन एवर कभी भी इफ आई हैव कम बैक टू फिटनेस या जब भी मेरी इच्छा होती है, ऑलवेज हैव तेजस सर सपोर्टिंग मी। अभी भी आई एम इन अ फेज वेयर आई एम ट्राइंग टू ट्रांसफॉर्म माई बॉडी, तो तेजस सर करवा रहे हैं मेहनत। और एक आई थिंक यही है जो मुझे इतना पुश कर पाता है, वरना आई यूजली इफ आई डोंट ऑन माई ओन यूजली गिव अप। बट या शी इज माई फेवरेट स्टूडेंट एक्चुअली। यस यस, इनकी वजह से ही बोला है क्योंकि इनमें जो करने का हुनर मोटिवेशन वो बहुत अच्छे से है, बहुत अच्छे से करती है और कर पाती है। इसका पोस्चर बहुत अच्छे से करती है। हम लोगों ने अभी कार्डियो एक्सरसाइज किया है जस्ट फॉर वार्म अप आफ्टर डू पसीना छुटवाने के लिए। और उसके बाद नाउ वी गोना स्टार्ट वेट ट्रेनिंग। कार्डियो बाय द वे इज माय आई हेट इट लीस्ट फेवरेट। आई लाइक डूइंग वेट्स बट कार्डियो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, उसके लिए मुझे ज़्यादा पुश और ज़्यादा मोटिवेशन लगता है। अब जो हम करेंगे इज अ लिटिल बिट ऑफ वेट ट्रेनिंग, जो सर्किट ट्रेनिंग है। बेसिकली मसल्स को टोन करने के लिए, बॉडी को एक बेटर शेप देने के लिए होता है। एंड विच आई एम करेंटली ट्राइंग टू डू, ट्राइंग टू टोन माई बॉडी ताकि जब भी कुछ भी पहनूँ या स्क्रीन पे आओ तो एकदम टोन देखो। सो फाइनली वर्कआउट कंप्लीट हो गया है। सो बेसिकली कार्डियो से स्टार्ट किया था, वार्म अप इन कार्डियो, एंड उसके बाद सर्किट ट्रेनिंग की विथ वेट्स। सो ओवरऑल आई थिंक वेट लॉस, इंच लॉस और मसल टोनिंग के लिए होता है सर्किट ट्रेनिंग में। व्हाट आई डू इज आई यूज ऑल बॉडी पार्ट्स। एंड मैंने अभी रिसेंटली आई हैव स्टार्टेड, हम सिंगल बॉडी पार्ट्स कर रहे हैं अब। सो एक दिन एक मसल, सपोज एक दिन लेग्स, एक दिन चेस्ट, एक दिन बैक। सो दैट्स एन एडवांस लेवल, आई फाइनली गॉटन देयर, बैक ऑन ट्रैक। बट टुडे व्हाट वी डिड वाज सर्किट एंड कार्डियो। एंड जैसा कि आपने देखा, कार्डियो में मेरी बहुत ज़्यादा बैंड बजती है बिकॉज आई गेट ब्रेथलेस और हाफ हाफ के भी करना पड़ता है। तो प्लीज़ बेयर विथ मी इफ आई लुक लाइक अ डाइंग पिग। बट येस, सो दिस इज माई वर्कआउट एंड आई होप दैट यू एन्जॉय दिस सेगमेंट, आपको पसंद आया हो। और आई होप कि मैं आपको मोटिवेट कर पाई हूँ टू हिट द जिम। दोज आर माई फेवरेट, चीट डे मेरा सबसे सबसे फेवरेट है। जिम का एक्चुअली चीट डे सच नहीं होता, हम एक्टिव रेस्ट कहते हैं, एक्टिव रेस्ट, जिसमें रेस्ट शब्द होना ही नहीं चाहिए बिकॉज आई स्टिल कम एंड डू कार्डियो उस दिन, मे बी ट्रेडमिल पे, लैप्टिकल पे या फिर साइकिलिंग या वटेवर। और हाँ, डाइट में चीट डे होता है बट मेरी जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं प्रेरणा गेरिया, आई गो एवरी 15 डेज मेरी डाइट बदलती है। तो 15 दिन के बाद वो चेक करती है, अगर मैंने प्रोग्रेस मार्क हिट किया हो देन आई गेट अ पार्टी मील वेयर आई कैन ईट वट एवर आई वॉन्ट, बट एक ही मील होती है वो दिन में। सो फिलहाल चीट डेज आर नॉट हैपनिंग, चीट मील इज हैपनिंग, वन मील दैट्स इट। बट कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, ईट लॉट्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड ट्राई एंड वर्कआउट फॉर एटलीस्ट 30 मिनट्स अ डे। आई नो आप सब मुझे बहुत मिस कर रहे हैं, मैं भी आप सबको बहुत मिस कर रही हूँ एंड आई रियली वॉन्ट कम बैक सून। बट जैसा कि आप देख सकते हैं, आई एम ट्राइंग टू वर्क ऑन माई सेल्फ। मैं चाहती हूँ कि इस बार जब मैं वापस आऊँ तो एक न्यू और इम्प्रूव वर्जन बन के आऊँ। सो थोड़ा और इंतजार, पेशेंस, एंड आई प्रॉमिस विल बी बैक वेरी सून। थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट।